हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने मूंग की दाल को ले लिया है, इसे रात भर के लिए भिगो दिया था। छिलके वाली अगर आपके पास है आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पालक के पत्ते और इसमें डालेंगे अदरक का टुकड़ा और थोड़े से हमें इसमें लहसुन डालेंगे। अब हम इसे एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें मिर्ची मैंने नहीं डाली है। तो अब इसको पीस लिया है हमने, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने जीरा और काली मिर्च को थोड़ा सा भून के पीस के एक पाउडर बना लिया था और उसमें मैं वो भी डाल दूँगी। बना जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, सिंपल ही रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। अब मैंने कुछ गाजर को ग्रेट कर लिया था और थोड़ी सी शिमला मिर्च को बारीक काट लेके और थोड़ी सी प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पर डाल देंगे हल्का सा नमक डाल लेंगे। इसे मिक्स करके रख लेंगे। इसकी हमें फिलिंग करनी है उसके अंदर। अब हम एक तवा लेंगे, उसे गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम पालक का पेस्ट और चम्मच से इस तरह धीरे धीरे फैला लेंगे। अब इसमें जो हमने गाजर और शिमला मिर्च और प्याज मिला के जो वो बनाया था वो हम इस पर डाल देंगे। इस तरह से रख देंगे, मीडियम को लो रखेंगे। थोड़ा सा चारों तरफ से ऑयल डाल देंगे। इसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है, बस इसको ऐसे दबा देंगे थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा ढक देंगे जिससे कि भाप से थोड़ा सब्जी पक जाए। अब हटा देंगे और इस तरह से निकाल लेंगे साइड साइड से। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ये चिपकता बिल्कुल नहीं है। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे डोसे के जैसे। थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ा ऑयल लगा देंगे उसमें। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और ये तैयार है हमारा पालक और मूंग दाल का चीला। बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।